हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने टाटा स्काई रिमोट को अपने टीवी के रिमोट के साथ पेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने टाटा स्काई रिमोट से ही टीवी और सेटटॉप बॉक्स दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम दोनों रिमोट को ऐसे आमने सामने इस पोजीशन में रख देंगे और हम अपने टाटा स्काई रिमोट को कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाने के लिए सबसे पहले हम दो की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, एक बैक और एक दूसरा नंबर टू। अगर हम इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाएगा और इसकी रेड लाइट जल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने प्रेस की और ये देखिए इसकी रेड लाइट जल गई। इसका मतलब हमारा टाटा स्काई रिमोट अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में है और अब इसकी टीवी के रिमोट की हमें टाटा स्काई रिमोट के साथ पेयर करनी है। मोस्टली वैसे टीवी के रिमोट की 4-5 की जो हैं हम उनकी ज़्यादा हमें यूज़ होता है, तो वॉल्यूम अप डाउन और पावर ऑन ऑफ और म्यूट, ये 2-3-4 बटन है जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं टीवी के रिमोट में। तो की पेयर करने के लिए सबसे पहले हम टाटा स्काई रिमोट की वॉल्यूम प्लस की पेयर करेंगे। इसको हम प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम टीवी की वॉल्यूम प्लस की दबाएंगे तो ये लाइट दो बार ब्लिंक करेगी, ये देखिए। ऐसे ही हम अपने वॉल्यूम माइनस की प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर हम टीवी के रिमोट की वॉल्यूम माइनस की प्रेस करेंगे तो फिर लाइट दो बार ब्लिंक करेगी। ऐसे ही फिर हम पावर का की जो है उसको हम प्रेस करेंगे और फिर टीवी के पावर की प्रेस करेंगे। ऐसे ही म्यूट जो की है उसको हम प्रेस करके पेयर कर लेते हैं। तो मोस्टली हमें 4-5 की है टीवी के रिमोट की हमें ज़रूरत पड़ती है, इनको हम ऐसे पेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम इस टाटा स्काई रिमोट को कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर लाएंगे, जिसके लिए हमें बैक की प्रेस करेंगे। ये अब टीवी का रिमोट इसके साथ पेयर हो गया है और हमारा टाटा स्काई रिमोट अब नॉर्मल मोड में है और ये इसके साथ पेयर होने के बाद अब हम इसको टीवी के रिमोट को अलग रख देंगे। तो अब हम इस टाटा स्काई रिमोट को टीवी और सेटटॉप बॉक्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम अगर होम और बैक दोनों एक साथ प्रेस करेंगे और अगर लाइट दो बार ब्लिंक करती है तो ये अब सेटटॉप बॉक्स पे काम नहीं करेगा, टीवी पे काम करेगा। और अगर हम वापस इसे सेटटॉप बॉक्स पे ले जाना चाहें तो हम होम और बैक दोनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो लाइट 4 बार ब्लिंक करेगी, ये देखिए। अब ये सेटटॉप बॉक्स पे वर्क करेगा, टीवी पे नहीं वर्क करेगा। तो ये इस तरह से हम अपने टीवी के रिमोट को पेयर कर सकते हैं टाटा स्काई रिमोट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।